नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आप प्लांट देख के जान ही गए होंगे, बट इसकी बहुत ख़ास जानकारी मैं देने वाली हूँ, तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक, और ताकि आपको इस प्लांट के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को पोए के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं अपने सभी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स, ये पोए के नाम से जाना जाता है और इसे मालाबार स्पिंच भी बोलते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसे आप ज़रूर लगाएं। ये बीज से भी ग्रो हो जाता है और कटिंग से भी लग जाता है। अगर आप इसकी एक पत्ती भी खोज देते हैं सॉइल में तो ये बहुत अच्छा सर्वाइव करता है फ्रेंड्स। और अभी सीजन है, इसका आप लगा सकते हैं और बहुत, अगर आप अच्छे से देखभाल करेंगे तो बहुत अच्छा और हेल्थी प्लांट होता है। आज मैं इसकी पत्तियाँ हार्वेस्ट करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी पत्तियाँ ये देखें, बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी मैंने कटिंग लगाई थी क्योंकि मैं इस प्लांट को हर साल अपने गार्डन में ऐड करती हूं और बहुत अच्छा सर्वाइव करता है ये प्लांट हमारे गार्डन में। आप देख सकते हैं इसकी कितनी हेल्थी ब्रांचेस हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, एक एक पत्ता इसका देखें आप फ्रेंड्स, ये देखें एक एक पत्ता इसका देखें कितना हैवी और बड़ा है। तो फ्रेंड्स, मैं जो है आज इसे हार्वेस्ट करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा एक एक पत्ता इसका बहुत बड़ा है। और ये एक देखिए मटके में लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। इधर हमारा ये देखिए, आज मैं इसकी पत्तियाँ हार्वेस्ट करूँगी और सब्ज़ी बनाऊँगी। इसे आप दाल में भी बना सकते हैं, सूखी आलू के साथ भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैं आज तोड़ने वाली हूँ इन पत्तियों को, हार्वेस्ट करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी इन पत्तियों को तोड़ने के लिए, लेकिन मैंने सोचा जब तोड़ूंगी तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, आज मैंने जो है ये पत्तियां जो है तोड़ी हैं। और फ्रेंड्स, इसकी जो है टहनी भी आप काट सकते हैं। ये जो ये टहनी है, ये बहुत नरम होती है और मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा है और एक हाथ में मैंने कटर को पकड़ा हुआ है। ये देखें फ्रेंड्स, ये देखिए। तो आप ऐसे टहनी भी काट सकते हैं, बहुत जल्दी ये गल जाती है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं अब और एक दो टहनी जो है इसकी ले लूँगी जो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हैं, ये देख सकते हैं आप। इसे मैं काटूँगी, ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैंने काट लिया है। और कुछ पत्तियाँ इधर बड़ी बड़ी लगी हुई हैं जो रह गई हैं, इन्हें मैं थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ज़्यादा केयर नहीं मांगता ये प्लांट, आप इसे अपने बालकनी गार्डन में ऐड करें और लगाएं। इसकी छोटी सी छोटी कटिंग आप लगाएंगे तो लग जाती है, ये देखिए यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। और आप इसे अपने बालकनी गार्डन में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि बहुत अच्छा चलता है ये प्लांट।
और इसकी पत्तियां बहुत ही टेस्टी बनती हैं, सब्जी वगैरह आप इसी बना के खाएं। तो फ्रेंड्स आप इसे जो है अपने बालकनी गार्डन में ज़रूर ऐड करें। देखिए हमारी ये टोकरी भर गई है और ये देख सकते हैं आप, आज हमारे उधर बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी ये टोकरी हमारी भर गई है और आप अपने बालकनी गार्डन में इसे ज़रूर ऐड करें। रह गई इसकी सोयल मीडिया की बात, तो आप जिस समय इसे लगाते हैं, अभी इसे ग्रो करते हैं, कटिंग लगाते हैं, उस समय कटिंग लगाते हैं तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीज लगाते हैं तभी देने की ज़रूरत नहीं, जब बीज ग्रो हो जाए या कटिंग आपकी चलने लगे उसके बाद इसे थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट दे दें तो ये अच्छा सर्वाइव करता है और बारिश के समय बहुत ज़्यादा फैल जाती है। इसकी जितनी आप कटिंग करेंगे उतना ही ये अच्छे से फैलती है। तो फ्रेंड्स आप इसे अपने बालकनी गार्डन में ज़रूर ऐड करें। इसे ज़रूरी धूप की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, ये तो छाया में भी ये प्लांट चल जाता है। तो फ्रेंड्स इसे अपने बालकनी गार्डन में ज़रूर लगाएं और हमारे द्वारा ये बनाया हुआ वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट और है कि आप वीडियो पूरा देखें, मेरे वीडियो बहुत छोटे छोटे होते हैं, मैं खुद जल्दबाजी में रहती हूँ कि कम से कम छोटा वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोग देख सकें। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।